भाई, तो भाई ये देखो भाई, ट्रक नीचे गिर गया भाई। भाई साहब बिल्कुल बीचों बीच 15,547 फीट हाइट के ऊपर आ चुके हम। क्या हो गया? हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम उठ गए हैं और अपना फ्रेश सब कुछ कर ली और फिलहाल नहाने की तैयारी। नहाना था मेरा भाई, कल तो इतना बुरा हाल हो गया था ना रात को कि बस सर दर्द, थोड़ी उल्टी भी लग गई थी, बहुत बुरा हाल हो गया ठंड की वजह से। जैकेट पहना नहीं और ठंड से लग गई, और एक मैगी खाई थी, मैगी इतनी बुरी लगी वो, उससे बस सारा जी खराब हो गया। अभी अपना पैकिंग चल रही है, तो रात को यहाँ रुक रहे थे टेंट में, अपना सामान मामान। और भाई साहब रात को आई थिंक 12 या 1 के करीब चली आंधी गजब, और हमारी यहाँ खुलो टेंट में सू सू बाहर से। मैं और आशु डर गए भाई, कहीं गिर ना जाए। बहुत बुरी तरह से आंधी चल रही, बहुत बुरा, मतलब तूफान ही था, बहुत जबरदस्त। मैं भाई साहब बहुत डरे हम रात को कि कहीं टेंट वेंट ना गिर जाए। सोया भी नहीं गया थोड़ी देर तो, कि भाई टेंट आए, बार बार में देखे, फोन की लाइट जला के देखे, अरे अरे टेंट के कुछ हो तो ना गया। पर फिर तीन के करीब थम गया था, फिर आराम से सोए भाई। और आई थिंक रात को बर्फ भी पड़ी है जो उस पार्ट पे है, बिल्कुल साफ बर्फ है, बिल्कुल साफ। ये देखो ये रही, बिल्कुल नहीं बर्फ, रात को पड़ी हुई बर्फ ही है। और इस साइड भी इन पहाड़ों पे रात को पड़ी है बर्फ। तो भाई साहब ये अपनी गाड़ी, आंसू कर रहे सामान इनका सेट, और गाड़ी पूरी गंदी हो रही है, धोने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि पानी इतना चिल्ड है ना, इतना ठंडा है कि बस हाथ तो देने का मन ही नहीं कर रहा ब्रश। और ये बहुत बुरी मुश्किल से किया, ठंडा ठंडा पानी, आखिरी पानी था भाई। और गाड़ी बिल्कुल गंदी हो रही है, आसे बोले कि गाड़ी को धो देते हैं। मैं भाई ब्रश करके पानी देखा ना, मैं भाई रह नहीं दे, इतने ठंडे पानी में तो हाथ ना दिया जाए। तो भाई अभी बनवाई है चाय, चाय कॉफी, चाय बन, चाय पी के फिर अपना आगे चलते हैं आज लद्दाख की साइड। और यहाँ का व्यू देखो भाई, सुबह सुबह का, मतलब वो बर्फ पड़ी है ना, वो पड़ी ऊपर। यहाँ का व्यू देख के ही बड़ा मस्त लगता है, सुबह सुबह का ये व्यू आखिरी व्यू लगता है, बस गजब। तो अब अपनी चाय आ गई है, तो अपनी चाय पी के और फिर चलते हैं यहाँ से। तो भाई साहब अब करते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट। देखा कैसी आवाज कर रही है, हो गया सही। हो गई सही, तब अपन यहाँ से पेमेंट दे दूँगे, पर अपन निकलते हैं आगे की साइड, आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी। और डेंजर रोड है वहाँ पे, 22 मोड। तो भाई साहब गाड़ी स्टार्ट करके चल दिए हैं, और बोलो बाबा शंभूनाथ की जय। और भाई साहब जर्नी ऐसे बढ़िया चलती रहे, और मौसम ऐसे खुला रहे, बस मौसम खुला। आज मौसम आई थिंक तीसरा दिन अपना, तो तीसरे दिन में आज मौसम अपने को ऐसा मिला है जो बिल्कुल खुला है, मतलब बादल है नहीं, कुछ कुछ बादल है, नहीं तो इतना खुला अब तक मिला नहीं। और भाई साहब चलते चलते जो खुला मौसम है और खुले मौसम में बादलों की ब्यूटी जो है ना, गजब की लग रही है। टैबलेट उठा लें, वो तो नहीं तो रखी थी ये। और भाई साहब हमें
टैबलेट वगैरह कोई घूमने तो हमने सारी लेके आना है। कई बार ये होता है कि भाई हमारे से कुछ भी नहीं होता, सब ऐसे ही है। तो यहाँ क्लाइमेट है एकदम से चेंज होता है ना हाँ, पक्षी जानवर का था कोई खोज नहीं है, नामो निशान ही नहीं है। हमने पक्षी तो वहाँ मिलेंगे यार, जहाँ पेड़ पुड़ हो। हाँ, यहाँ तो पेड़ का नामो निशान ही नहीं है। जानवर भी वहीं मिले, जहाँ कुछ खाने का हो। कुत्ते कुत्ते जानवर वूनवर कुछ भी नहीं मिलेगा। जानवर तो छोटा छोटा इंसान नहीं मिलता यहाँ पे हेल्प के लिए। अरे कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बस खड़े रहो आराम से। नेटवर्क का कर देना कुछ काम यहाँ। हाँ, नेटवर्क का बहुत भारा इशू है भाई, बहुत बुरा इशू है। तो कुछ बढ़िया काम हो जाए ताकि बंदा कनेक्ट करे। मतलब किसी की गाड़ी खराब हो भाई, कुछ दिक्कत हो जाए तो नेटवर्क के सारे वो कर तो दे कोई, मतलब बता, इन्फॉर्मेशन दे दे भाई हम यहाँ पे खड़े हैं, गाड़ी खराब है। यहाँ तो नेटवर्क का नामो निशान ही नहीं है, फोन ही नहीं मिलता भाई। कभी कभी आता बीच में, वो भी जियो जियो। और वो कह रहे आगे चल के जियो नहीं आएगी, आगे चल के बीएसएनएल आएगी सिर्फ, और कोई काम नहीं करेगा। मैं भाई बीएसएनएल तो है ही नहीं, तो काम तो कुछ करना नहीं आगे जाके नेटवर्किंग का। और भाई साहब किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना तो माँ कसम कोई पीछे से आ जाए हेल्प कर दे तो कर दे, नहीं तो बंदा यहीं खड़ा रहे भाई। और भाई साहब जो पहाड़ों के नजारे हैं ना, वो साथ साथ देखने में ना जो आनंद आ रहे हैं वो बता नहीं सकते। मतलब बात यह है कि भाई यहाँ पे एक बार ना लाइफ में एक बार विजिट जरूर करनी चाहिए लेह लद्दाख की। कुछ एक्सट्रीम करने का सोचना हो ना तो लेह लद्दाख आना चाहिए। क्यों आंसू? हकीकत में कुछ एक्सट्रीम ही है। नेटवर्क नहीं आना, फोन किसी से नहीं मिलना, बात नहीं होनी, सारी सर दर्द भड़क सब खत्म हो जाती है। और बस वो ये थोड़े घर वाले टेंशन, हाँ घर वाले टेंशन में आ जाते हैं भाई कि बात नहीं होती, मतलब कैसे हैं कैसे नहीं बच्चे, बस ये थोड़ी दिक्कत है। और वैसे जो व्यू आता है मतलब यार दुनियादारी से ही दूर, और ऐसा लगता है कि पता नहीं आई कैसी जगह गई। मतलब यार अपनी उस साइड तो यार माहौल अलग ही रहता है कि पेड़ पाड़ पक्ष वगैरह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अलग लगता है। कहीं एलियंस एलियंस के पास आ गए, प्लेनेट पे आ गए, अलग प्लेनेट पे ही। मतलब हर एक किलोमीटर पे पहाड़ अलग 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 पहाड़, एक जैसा पहाड़ तो है ही नहीं, अलग 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 कलर के, अलग डिजाइन का। अगर किसी बाइक वाला अलग अलग टाइप के पहाड़ देखने हो तो भाई ले लद्दाख सबसे बेस्ट है। अपनी लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग अगर आपको अपनी जर्नी बनानी है तो ले लद्दाख ही बना सकता है आपको अपनी लाइफ की। रोड यहाँ पे आके भीड़ हो गई। हाँ है ना, तो साइड लेने की जगह नहीं है भाई, साइड कहीं कहीं जगह नहीं है। हाँ। ले सकते हैं, दबा सकते हैं। आप ले लद्दाख आके देखो, आपको ये जर्नी ना परमानेंट याद रहेगी हर दम, मतलब उम्र भर तक याद रहेगी भाई ले लद्दाख की जर्नी। क्योंकि इस पे ऐसे ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, ऐसे ऐसे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं जहाँ कहीं भी मिलने का कोई चांस ही नहीं है। है भाई कहीं चांस? आई थिंक मुश्किल है बहुत भाई साहब। तो घाटा लूप्स स्टार्ट हो गई है ले लद्दाख के, सबसे डेंजरस जो रोड बोलते है ना, सबसे कंजस्टेड भीड़े रोड, घाटा यूरे घाटा लूप्स, वो स्टार्ट हो गए। टर्न राइट, ये बिल्कुल खड़े मोड़ है, ये बिल्कुल 90 डिग्री के हैं। ये 122 है, खाली 22 है, 122 है, पता नहीं कुछ है। 80 किलोमीटर का ट्रैक है ये बोलते भाई साहब ये ट्रैक ना सबसे डेंजरस है। तो भाई साहब आपको दिख रहा हो कितना भीड़े भीड़े रोड है भाई, और ये देखो पार्ट, क्योंकि यू है ना डेंजरस मूव आ गया भाई, ट्रक आ गया, क्योंकि ट्रक आगे से आ गया तो साइड लेने की ही जगह नहीं है। अब अपनी गाड़ी चल रही है तो अपनी गाड़ी का ही रास्ता है, आगे से गाड़ी आ गई तो मतलब ही ना है भाई किसी को साइड देते। ये देखो इसमें मैप में दिखाना एक बार, देखो मैप देखो
कैसे घुमा रखे सांप की तरह, जैसे एनाकोंडा हो और उसको यूं बना दिया हो सांप भी कम। और भाई साहब साइड में देखो, ये तो और ऊपर चलते जाएगा, ऊपर जितना चलता जाएगा उतना ही डेंजर होता जाएगा भाई। पाएंगे 51 किलोमीटर बचेगा भाई यहाँ से। भाई साहब जिस गाड़ी का हॉर्न खराब हो ना उसका तो भाई साहब बुरा हाल हो जाए यहाँ, क्योंकि हॉर्न बजे ना आगे से क्या रहा कुछ पता चले ना। तो भाई साहब ये रोड को छोड़ के फिलहाल चढ़ा रहे हैं शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ बहुत लंबा पड़ता है, बहुत लंबा पड़ता है, तो फिलहाल शॉर्टकट ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? लो लगाना पड़ेगा भाई। तो लो लगाया शॉर्टकट। भाई अगर 4x4 गाड़ी ना हो ना तो ट्राई मत, तो ट्राई मत करना, सोचना ही मत ट्राई करने की। तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, गाड़ी बिल्कुल यूं हो रही है। सुनी उतरना ट्रक ट्रक भाई साहब, ये ट्रैक है और यहां से आई है गाड़ी और ये देखो बिल्कुल खड़े है, ये कैमरे में नहीं आ रहे हो पर बिल्कुल खड़े भाई साहब। 2x2 गाड़ी है ना, ट्राई मत करना बिल्कुल भी। चल तैयार है अपने थार। तो भाई साहब ये ट्रैक हो रहा है ऑफ रोडिंग का, और यार ये थार, ये ट्रैक है भाई साहब, बिल्कुल इंक्लाइंड है मेरे भाई, थोड़ा ऑफ रोडिंग करने को है। और मैं चढ़ रहा हूँ भाई साहब, मेरे फिल्टर चोक हो रहे हैं, सांस चढ़ रहा है भाई, हाय राम। I'm alone, I'm alright, it's so cold outside, I'm alone. तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ बाहर, मैं फिलहाल यहाँ बाहर खड़ा हूँ। फिर वो देखो रोड जा रहा साइड, अरे जा रहा सीधा। ये रोड है सामने, नीचे दिखाई दे रहा होगा, पर अपन जा रहे हैं यहाँ से फुल्ली ऑफ रोडिंग। भाई साहब ये चढ़े गाड़ी साहब, एक और आ गया, ये रोड छोड़ के ये ऑफ रोडिंग में जा रहे भाई। तो भाई साहब ये पहाड़ है चारों तरफ, और शॉर्टकट में पूरा ऑफ रोडिंग करते जा रहे हैं भाई। एक मिनट रुक जा जाने दे। तो भाई साहब यहाँ चढ़ाएंगे बिल्कुल खड़ा मोड़े, चल लिया। तो आ रहे भाई अपनी थार, भाई साहब टायर ऊपर हो रहा है। भाई साहब गाड़ी को चढ़ने में भी बहुत कई कई जगह पावर देनी पड़े थोड़ी सी। कहाँ पे? हाँ हाँ अच्छा, अपन क्रॉस करके आ गया क्या वो मोड़?
हाँ हाँ कब पहिया आधार हो गए थे इसके, बिल्कुल खटास लोग है भाई साहब। यो बिल्कुल खड़ा और पहाड़े देखो और अपनी गाड़ियां देखो। चल भाई क्या हो गया, हल्की सी। तो भाई इस ट्रैक पे ना गाड़ी को थोड़ा फोर्स लगाना पड़ा चढ़ने के लिए। तो भाई साहब सामने वाला पहाड़ देखो, तो साइड में देखो और सामने पहाड़ देखो, क्या डिजाइन से खड़ा हुआ है, नेचर भाई पहाड़ों का। ये भी ये देखो सामने, और ये भाई साहब बिल्कुल बीचों बीच बर्फ होती थी, दोनों साइड बर्फ होती ना। हाँ पांग रह गया 41 किलोमीटर, पांग 41 किलोमीटर। तो भाई साहब जो वहां पीछे ऑफ रोडिंग की है ना हमने, तो उसमें क्या था जो अपना सू चला रहा था ना, इसको तो आगे कुछ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आगे गाड़ी यूं यूं खड़ी हो जा रही थी, बिल्कुल चढ़ाई बिल्कुल इंक्लाइंड हो जा रही थी बिल्कुल ऐसे, तो इसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये तो सिर्फ मेरे भरोसे में बता रहा था हाँ भाई चल चल, कुछ दिक्कत हो तो मेरे को ही बताना पड़ रहा था इसके, हाँ भाई रुक जा या फिर कोई प्रॉब्लम है, इसका तो देखना कोई मतलब नहीं, गाड़ी बिल्कुल ही थी। तो भाई साहब आपको कैमरे में इतना जस्टिफाई नहीं दिख रहा हो कि भाई कितनी थी, पर बहुत ज्यादा इंक्लाइंड था वो ऑफ रोडिंग का। और भाई साहब काफी देर में ना एक ट्रक ये जा रहा है और एक ट्रक सामने जा रहा है फौजियों का, तो भाई बहुत टाइम बाद कुछ ट्रक देखने को मिला भाई। और हम जो शॉर्टकट मार के हैं ना, हाँ वहाँ पे एक मोड़ पे एक ट्रक था, एक स्विफ्ट थी, ट्रक नीचे आ रहा था स्विफ्ट ऊपर जा रही थी, तो स्विफ्ट आई थिंक घर आज की भाई वो स्विफ्ट टच हो गई ट्रक के, उन्होंने रोक रखा, रोक रखी थी, और उसके ट्रक के ऊपर पीछे 5 ये गड़े थे डीजल वाले टैंकर, बच गया टाइम बच गया अपना। और भाई पीछे फिलहाल एक पक्षी दिखाई दिया था भाई, एक पक्षी दिखा था भाई, ये भाई यार आर्मी का ट्रक टैंक है और ये इसमें ड्रम है, ड्रम से है, और जो सामने वो रही कैंटर वो पीछे बैक हो रही है, क्योंकि साइड लेने की जगह नहीं है, और ये अपने बाइक राइडर्स। हाँ ये चीज है कि साइड लेने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, ये ट्रक परमानेंट। भाई तो भाई ये देखो भाई ट्रक नीचे गिर गया भाई, ये नहीं पता कब का, पता नहीं कब का गिरा हुआ यार, कुछ भी टायर वारिश में कुछ भी नहीं है टायर, साइड लेते हुए गिर गया, वही बात है यहाँ से उठा के भी कैसे लेते हैं, उठाए कैसे ले, उठा के कोई लेके नहीं जाए, ये जो गिर गया तो पड़ा है वो पड़ा ही है। काफी जगह ऐसा दिखाया कि काफी जगह पिकअप है वो पड़ी है तो पड़ी है, कोई उठा के नहीं लगे उनको, यू क्यों पड़े, काफी टाइम से पड़ी है वो, जर लग रहा पूरी तरह से, तो ये ट्रक व्रक में ले जाए किसी में, है ना ऐसा ही भाई, साइड लेने की थोड़ी जगह ही नहीं, हल्का सा नीचे गया टायर तो बस काम वही खत्म, बैंक 37। तो यहाँ से ऑफ रोडिंग है भाई ऊपर जाने की, ट्रकों से आके ले लेते हैं, स्विफ्ट आ गई
देख रहे हैं सिर्फ। पूरी ऑफ रोड चल रही है, कंप्लीट ऑफ रोड। तो ये आगे वो ट्रक इस साइड से, तो अपन उनसे आगे निकल चुके हैं भाई, क्योंकि भाई हम 20 से नीचे गाड़ी नहीं चला सकते ना। हाँ, क्योंकि इसमें फिल्टर लगे हुए हैं, BS6 है तो फिल्टर लगा हुआ है, जो पार्टिकल्स वो उसपे जमा हो जाएंगे और फिर गाड़ी रिसेट मांगने लग जाएगी, तो दिक्कत हो जाती है। पावर नहीं लेगी ज्यादा लंबे टाइम तक इसको चला ही नहीं सकते ना, 20-30-40 की स्पीड पे। तो पार्टिकल्स बाहर निकालने के लिए थोड़ा स्पीड में चलना पड़ता है हल्का सा। तो वहां से आ रही है ट्रक आगे से और अपन दे रहे इसको साइड। यहाँ पे भाई थोड़ा साइड का बहुत बड़ा इश्यू है भाई, इतनी हाइट और साइड से वो देखो सीधी खाई है नीचे सीधा। पूरी तरह भगा रखी थी, अभी 3 ट्रक वाले गए थे, हम तो साइड होता पा रहा कि थे। ओहो भाई साहब, मतलब मोड़ पे पूरी तरह कोई मतलब ही नहीं, तो पका कैसे गाड़ी आ रही है। रात को 9-10 बजे के बाद तो चलते नहीं ट्रक, और अब ट्रकों का आगमन स्टार्ट हो गया भाई। अब भाई रात को 9 बजे हम रात को सो रहे थे, 2-2 बजे तक आवाज आ रही थी ट्रकों भाई। अपन थोड़ा ये रास्ता छोड़ के थोड़ा इस साइड से जाएंगे, कच्चे वाले रास्ते से, क्योंकि आगे सारे ट्रक। निकल गया वो जा रहा है, और भाई साहब जब ये है ना बिल्कुल इनक्लाइंड है, भाई साहब हो गया ट्रक उस साइड और अपन निकल गए इस साइड। ये यू टर्न क्यों बोल रहे भाई, रास्ते पे छोड़ गए ना हम। अरे इतनी इंक्लाइंड हो जाती है गाड़ी, थोड़ा सा डर भी लगता है वैसे। तो भाई साहब उस रोड को छोड़ के आ गए से। भाई साहब तो ये देखो 15,547 फीट हाइट के ऊपर आ चुके हम, अब काफी देर हो गई। यहाँ पे देख लो चाय की खाने की पीने की कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी 80 किलोमीटर के लगभग कुछ भी नहीं मिलेगा, 80-90 किलोमीटर तक, उसके बाद ही कुछ सोच सकते हो आप कुछ खा ले पी ले, अगर मिलेगा तो, नहीं फिर 200 किलोमीटर नहीं तो 200 किलोमीटर पे ही है। हाँ हम ये भी नहीं पता ये 80 ट्रैक पार करके या ना पार ट्रैक मिले, हम तो अपना आइडिया से बता रहे, ना भी मिले तो कोई भाई अपना आए तो अपना कुछ लेके चले भाई साहब, वो बहुत जरूरी है। और पानी वगैरह पीते रहना भाई, ये पानी पीना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी हाइट पे जाओगे आप प्यास आपको लगेगी नहीं, शरीर मांगे नहीं पानी। ओ भाई साहब एक ट्रक और पड़े मेरे भाई, इसलिए
इस रोड को सबसे डेंजरस रोड बोलते हैं लद्दाख का। वही है, स्पीड से जा रहे हैं जैसे वो नहीं आ रहे थे। ट्रक वाले बुरी तरह स्पीड से चलते हैं भाई, क्योंकि डेली आते जाते हैं इनको वो तो पता ही है, पर फिर भी इनको पता है यार कोई नया बंदा है वो तो अपना थोड़ा वो देखे चलते है। और ये भाई देखो साइकिल पे आ रहा है यार, साइकिल पे राइड कर रहा है भाई। ये देखो ये ट्रक पड़ा एक नीचे, चलो पता नहीं कितने सालों से पड़ा होगा, इसका तो कुछ है ही नहीं अंदर पंजर। जाट जाट इतफाक की बॉडी बॉडी और सब कुछ गायब है इसका तो, देखो सब कुछ गायब है, टायर इंजन सब कुछ, टायर इंजन सब कुछ गायब है। भाई वो देखो सामने, ये देखो ऐसे चढ़ना है, ऐसे यूं चढ़ना भाई। भाई साहब 4x4 थार ही नहीं, 4x4 गाड़ा नहीं यहाँ तो, ये देखो स्विफ्ट वाले हैं, ट्रक वाले सभी। जो धचका खराब इतना है ना तो जूम आउट हो नहीं पा रहा ढंग से। वो देखो ट्रक वाला, तो वो देखो भाई ये आ रहा है शॉर्टकट मार रहा है ये ट्रक, ये कैंटर वाला, और बिल्कुल आ रहा मारा हम जा रहे नीचा, बिल्कुल नीचा था भाई। बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से। तो भाई यहाँ रुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाएंगे, तो खिड़की बंद करना ही भूल गया, तो यहाँ कुछ थोड़ा सा खाएंगे क्योंकि अभी तक ना वहाँ से चले हैं तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। सैंडविच तो सर में दर्द हो रहा है तो खा लेते हैं, हाँ जो लेना वो ले लो, और चाय वगैरह कुछ खा लेते हैं फिर पिक के और चलते हैं यहाँ से। तो काफी देर मिली है कुछ खाने के लिए, चलो होपफुली मिल तो गया खाने के लिए, दे दो ना, दो दे दो। सब कुछ मिलता है यहाँ खाने के लिए। ये रहा देखो सैंडविच, चपाती, रोटी, मोमोज, राइस, हर चीज मिलती है भाई, दूध सब कुछ। तो ये भाई आए हैं बाइक राइडर्स अपने ऊपर से, तभी अभी यहाँ पे खाएंगे कुछ।